हे दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉफिक हेल्थ डी। हाय दोस्त, पांच ऐसी चीज़ें जो ताकत, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, यानी कि हर विटामिन्स, हर तरह के कैल्शियम, हर तरह के प्रोटीन, हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के कैल्शियम आपके शरीर में अवेलेबल करवाएंगे। तो हाय दोस्त, मैं हूँ दिनेश। वीडियो पे एंड तक बन के देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर एक ऐसा हेल्थ टिप्स है कि मेरे पास बहुत बार कमेंट्स आया। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वेट गेन को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, आंखों की रोशनी कैसे बनाएं इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, चेहरे को खूब सुंदर कैसे करें, मतलब सफ़ेद कैसे करें, एकदम अच्छा कैसे करें, देखने के बाद लोग बोले गजब, ऐसा बोले क्या एक नंबर का। तो इस पर कई सारे वीडियो पड़ गए हैं, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आता है कि भाई जी कोई एक ऐसा उपाय बताओ यार, कि आपके बहुत सारे उपाय मैंने किए, कुछ रिजल्ट्स आता है, लेकिन कोई शानदार चीज़ें बता दो जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट आए, उसके फायदे जो है माइंड ब्लोइंग हो, एक नंबर का। तो हाय दोस्त, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पांच ऐसी चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा, पांच खाने वाली चीज़ें जो आपके शरीर में ताकत भी देगी, कैल्शियम भी देगी, प्रोटीन्स भी देगी, मिनरल्स भी देगी, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स, ढेर सारी चीज़ें आपके शरीर में अवेलेबल करवाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, उसमें बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होंगी। पॉइंट नंबर वन, इसमें है घी, यानी कि देसी घी। ये बहुत गजब की चीज़ें होती है। अब देसी घी खाना कैसे है, लेना कैसे, सारी चीज़ एक्सप्लेन कर करके मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप करके देख लीजिएगा वीडियो में। घी देसी होना चाहिए। खासकर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत तरह तरह के ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। मैं किसी ब्रांड्स का नाम लेके बदनाम नहीं करूँगा कि इस ब्रांड को मत लीजिएगा, इस ब्रांड को मत लीजिएगा, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, लेकिन आप श्योरिटी रहे कि वो प्योर है, प्योर देसी घी ही होना चाहिए। उसे आप खाने के साथ लें, या फिर दूध में डाल के लें, या फिर ब्रेड के साथ लें, मेरी बात समझिएगा। जैसे आप दाल खाने के शौकीन हैं तो आधा चम्मच दाल में डाल के खा लीजिएगा, दाल चावल। यानी कि अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आधा चम्मच से एक चम्मच दूध में, गुनगुने दूध में डाल करके उसके बाद पीजिएगा, माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स आएंगे। अगर आप दूध के साथ ब्रेड खाने के इच्छुक हैं तो आप ब्रेड के ऊपर लेप लगा करके उसके बाद खाइएगा, एक नंबर का, इतना गजब का रिजल्ट आएगा कि आपके शरीर में स्किन प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके शरीर पे से झुर्रियाँ नहीं दिखाई देंगे, शरीर एक नंबर का दिखेगा, लोग बोलेंगे गजब की बात है। जो इसमें दूसरी पॉइंट है, दूसरा है हल्दी वाला दूध। हल्दी दूध के लाखों नहीं हजारों फायदे आपने सुने होंगे। कभी कभी बहुत बार देखते होंगे लोगों को चोटें आ जाती हैं, या कोई मोच आ जाता है, या कोई और दिक्कतें हो जाती है, तो लोग उनसे बोलते हैं, डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि हल्दी वाले दूध में बहुत गजब गजब की चीज़ें होती हैं। तो हल्दी वाले दूध का सेवन अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में ऐसी छोटी 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 जो बीमारियाँ पनपती हैं, इन बीमारियों की भी मार देगा, बाकी आपके शरीर में ढेर सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऐसी ढेर सारी चीज़ें आपके शरीर में उपलब्ध भी करवाएगा। जो तीसरी चीज़ है, तीसरी है दूध प्लस छुहारा। बहुत बार अगर आप शौकीन हैं, दूध तो पीना ही चाहिए। देखिए, दूध से अच्छा कोई चीज़ नहीं है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। दूध प्लस छुहारा, मैं क्यों कहा इस बात को, आप ध्यान सुनिएगा। आप या तो एक गिलास दूध पी लीजिएगा गुनगुना, उसके बाद तीन छुहारे खा लीजिएगा, या तीन चार छुहारों को पीस करके हल्के हल्के में बुरादे में बना करके दूध में डाल करके दो चम्मच, उसके बाद उबाल करके पीजिएगा। दोनों तरीके बेस्ट हैं, जो आप चाहें कर लीजिएगा। दूध प्लस छुहारा माइंड ब्लोइंग गजब का बेनिफिट्स देता है आपके शरीर के लिए। जो चौथी चीज़ है, चौथा है बहुत गजब का, सुबह तीन केला और शाम को दो अंडे। ये बहुत गजब की चीज़ है। जैसे कि आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, चाय लोग अक्सर पीते हैं, चाय पीना गलत बात है, मैं आपसे जहाँ तक इस बात को शेयर कर दे रहा हूँ, चाय नहीं पीना चाहिए। तो चाय अगर आप पीने के शौकीन हैं तो दो चुस्की को भी काली चाय, जिसमें लौंग होता है, इलायची होता है, तुलसी का पत्ता होता है, डाल करके उसी चाय को आपको पीना चाहिए। काली चाय दो तीन चुस्की लेने के बाद आप तीन केले खाइए, 10 मिनट के बाद तीन केले, या खाना खाने के बाद आप आधे घंटे के बाद तीन केले खा लीजिए। शाम को आप स्टडी करते, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो या कुछ भी हो, आप दो
अंडे, उबले हुए अंडे, दो उबले हुए अंडे अगर आप शाम को खा लेते हैं बहुत गजब का फ़ायदा ये करेगा। जो लास्ट वाली और पांचवी चीज़ है ये है मछली। मछली के बारे में आप जानते होंगे, ऊपर वाले ने खुद लिख के भेजा है कि आप मछली को खा सकते हैं, यानी कि अगर आप मांसाहारी हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो है, अगर आप शाकाहारी हैं तो ये पाँचवीं पॉइंट आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो मछली के अनगिनत फ़ायदे हैं, जैसा कि अगर आप मछली को कंटिन्यू खा लेते हैं, पूरी जैसे कि सर्दियों का मौसम अब आना शुरू हो गया है, ठंडक का मौसम शुरू होने वाला है, शुरू हो भी गया है, तो ठंडक के मौसम में अगर आप कंटिन्यू मछली का सेवन कर लेते हैं दो तीन दिन के अलग अलग पे, तो यकीन मानिए आप भविष्य में आपके बाल नहीं झड़ेंगे, बाल आपके कभी सफ़ेद नहीं होंगे, आंखों की रोशनी आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको पेट में डाइजेशन सिस्टम वाली कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपके शरीर में तरह तरह के विटामिन, कैल्शियम, ऐसी प्रोटीन्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि आपका शरीर, मैं तो ये नहीं कहता कि बहुत मोटा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, आप कहीं भी खड़े रहोगे अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत बेहतरीन है, आपको मतलब ऊर्जा मिलेगी, एक एनर्जी, एक शक्ति, एक ताकत मिलेगी, बस कहने का सीधा मतलब यही था। तो पांचों चीज़ें बेहतर है, बहुत खर्चीली कोई भी चीज़ें नहीं है, आप चाहें तो आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और खासकर नॉलेजेबल लगा, आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिले, हेल्थ टिप्स मिले, वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन घंटी से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।